दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 1.35 मिलियन एक्सीडेंट्स होते हैं और बदकिस्मती से 3700 लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा बैठते हैं। आजकल हवामी नकलो अमल की किसी भी सहूलत में गाड़ी चलाना या सफ़र करना वाकई ही महफूज नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमें अपनी मंजिलों तक पहुँचने के लिए हर रोज़ सफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है और इस मकसद के लिए गाड़ी से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन हम एहतियात के साथ ड्राइविंग करके हादसात में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हादसात में कमी लाने के लिए चंद अमूमी तरीके बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगे। दोस्तों, अक्सर लोगों को दौरान ड्राइविंग ही ऊँगे आना शुरू हो जाती हैं और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। ऐसी हालत में ड्राइविंग करना ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। आप ड्राइविंग सिर्फ इसी हालत में करें जब आप अपने आप को मुकम्मल एक्टिव फील कर रहे हों। दौरान ड्राइविंग अपने साथी से लाजमी बात करते रहना चाहिए ताकि आपको नींद ना आ जाए, लेकिन जब आप अकेले ड्राइविंग कर रहे हों तो नींद से बचने के लिए आप म्यूज़िक लगा सकते हैं। गाड़ी ड्राइव करते वक्त आपको इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि आप अगली गाड़ी से चंद फासले पर हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगली गाड़ी के यकदम रुकने की वजह से आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अगली गाड़ी से चंद फासले पर रहें ताकि हादसात से बचा जा सके। अपनी गाड़ी के इंजन की हमेशा जांच पड़ताल से किसी भी मुमकिन कार हादसे से बचा जा सकता है। गाड़ी को अपग्रेड रखने के लिए इंजन ऑयल मुस्तकिल तौर पर तब्दील करते रहें और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि टायर्स भी अच्छी क्वालिटी के हों। आजकल के इस जदीद ज़माने में लोग गाड़ी को स्टाइल से चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग स्टेयरिंग पर एक हाथ रखकर गाड़ी ड्राइव करते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। आप जब भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हों तो अपने दोनों हाथों को स्टेयरिंग पर रखना लाजमी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान गाड़ियों के क्रैशों की अहम वजह बन गया है। दौरान ड्राइविंग सेल फ़ोन का इस्तेमाल करने से ड्राइवर्स की रोड पर आगाही कम होती जा रही है, जिसके नतीजे में हादसात का खतरा मज़ीद बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ज़िंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमें एहतियात लाजमी करने चाहिए। अगर हम एहतियात करेंगे तो इससे ना सिर्फ हम अपनी जानें बचा सकते हैं बल्कि लोगों को भी जानें बचाई जा सकती हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने सम्मान में रखे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सरमट टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।